हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी कोटक महिंद्रा नेट बैंकिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको भी इस टाइप का एरर आ रहा है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही प्रॉब्लम को फिक्स करके दिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐप से बाहर चले जाना है, उसके बाद जो है आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स को ओपन करना है। फ़ोन के सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको ऐप्स पर क्लिक करना है। ऐप्स पर क्लिक करने के बाद मैनेजमेंट ऐप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और ऐप पर क्लिक करके ओपन करना है। स्टोरेज पर क्लिक करना है। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करना है। क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करना है, ओके करना है, बैक चले जाना है। उसके बाद जो है आपको ऐप परमिशन पर क्लिक करना है। ऐप परमिशन पर क्लिक करने के बाद आपको सभी को परमिशन दे देना है, अलाउ कर लेना है। उसके बाद जो है आपको चले जाना है बैक। आपको देख लेना है ऐप कहां पर इंस्टॉल है, ऐप पर क्लिक करके ओपन करना है, लॉगिन करना है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।